आप सबसे मिल रहा हूँ। 30वीं में सोमवार शनि जयंती हर्षोल्लास उजवणी करवामां आवी हती। आ दिवसे सोमवती अमास अने वट सावित्री व्रत पण मनाववामां आवे छे। सूर्यना पुत्र शनिदेवनो जन्म ज्येष्ठ अमावस्याना दिवसे थयो हतो। आ दिवसे शनिदेवनी साचा मनथी आराधना अने पूजा पाठ करवाथी शुभ फळनी प्राप्ति थाय छे। आ दिवसे शनिदेवनी संबंधित वस्तुओनुं दान करवाथी शनिनी महादशामां लाभ मळे छे। शनिदेव कर्मना दाता छे, तेमना द्वारा करायेला कार्य आधारे लोकोने फळ आपे छे। शनिनी साळासाथी के ठैयानी અસર દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઈક ને કોઈક સમયે આવે છે, પરંતુ આમાં વ્યક્તિ પરેશાન થાય છે, તેને તેના કર્મોનું ફળ મળે છે। કહેવાય છે કે જેના પર શનિની દ્રષ્ટિ હોય તેના ખરાબ સમયની શરૂઆત થાય છે। આજે શહેરના શનિદેવ મંદિરોમાં દર્શનાર્થીઓની ભારે ભીડ ઉમટી હતી। શહેરના વાડી વિસ્તારમાં આવેલા પૌરાણિક શનિદેવ મંદિરે વહેલી સવારથી જ ભક્તોની લાંબી હરોળ જોવા મળી હતી। જ્યારે દાંડિયા બજાર સ્થિત શનિદેવ મંદિરે ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી। શહેરના હરણી વીરભંજન હનુમાનજી મંદિર ખાતે સ્થાપિત શનિદેવ મહારાજના મંદિરે ખાસ શણગાર કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં શનિ જયંતિ નિમિત્તે હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ દર્શનનો લાભ લઈ ધન્ય થયા હતા। જો પ્રધાનમંત્રી જો દૂસરો કી પીડા સમજ સકતે હૈ, जिनकी सरकार जो है वो पीड़ा समझ सकती है और उसको समझने के अलावा जो उस पर एक्शन ले सकती है। कि अभी जो आज का कार्यक्रम जो आपने देखा, मुझे 8 साल नॉर्मली कोई भी सरकार कोई भी राजनीति में जब कुछ सालगिरह होता है तो उसका दिवस तो होता है, पर मुझे लगा कि आज का दिवस उसका बहुत ही माने सिचुएशन के लिए बहुत ठीक था। कि फोकस जो था वो बच्चों पे था, कोविड पे था, हमारी अपनी शक्तियों पे था और आगे का जो जिस आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जो बच्चों में है वो देश में भी है। और आज का प्रयास जो है वही पूरे देश को ये मैसेज देना था कि हमने चुनौतियों का सामना किया है, करते भी रहेंगे। और ये मैं महामारी की बात कर रहा हूँ, चुनौतियाँ और भी हैं और आप उसके बारे में कल भी आप सुनेंगे, प्रधानमंत्री से सुनेंगे। तो ये आज का संदेश था। तो मुझे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर मिला वडोदरा में। मैं यहाँ गुजरात का राज्यसभा का मैं कहूँगा कि आज एक किस्म से हम लोग जो हैं 8 साल के बाद अपने आप की रिपोर्ट भी ले रहे हैं और आगे का जो चुनौतियां जो हैं, हमारी जो सोच जो है, हमें जो करना है उसके बारे में भी बातचीत हो रही है, बहस हो रही है। बता दूं कि हमारी भी कोशिश है दूसरे, क्योंकि मैं आपको जो मेडिकल साइड में जो हो रहा है वो ना मेरा विभाग नहीं है और इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर जो मैं जानता हूँ कि विदेश मंत्रालय के परिप्रेक्ष्य से हम लोग जो हैं बाकी यूक्रेन के पड़ोसी देश के साथ भी बातचीत हो रही है कि अगर वो अपने विश्वविद्यालय में ऐसे जो विद्यार्थी जो हैं अगर उनको दाखिल कर पाए। अभी हाल ही में हंगेरी के विदेश मंत्री आए थे तो उन्होंने हमें बताया कि करीब 1250 हमारे विद्यार्थियों ने वहाँ हंगेरी में अप्लाई किया है और उनकी कोशिश होगी उनमें से जितना वो एडमिट कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे। तो उन हमारे जो स्टूडेंट जो हैं उनके हित वो बिल्कुल हमारे मन में है, हम उसको जितना हम उनके लिए कर पाएंगे हमारी कोशिश तो। सब्सक्राइब करो फैक्ट फंड न्यूज चैनल ने अने यूट्यूब पर बेल आइकन दबावी समाचारों ने तमाम अपडेट मेड़वो।